नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और कल चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देश की नज़र है, चूँकि दिल्ली का जो सत्ता का रास्ता है यहीं से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है, इसकी शुरुआत होगी शामली से, और 7 मार्च को सोनभद्र में आके ख़त्म होगा। अभी हम मौजूद हैं ज़िला अमेठी में, और ज़िला अमेठी जो चुनाव ये 5वें चरण यानी 27 फरवरी को है। हम हैं विधानसभा तिलोई में और ये बहादुरपुर ब्लॉक है। अब 5 साल बाद जनता के पास एक मौका आया है अपना मत चुनने का, अपना अधिकार चुनने का। और कहते हैं ना, जनता जनार्दन होती है, वो किसके सर पर ताज पहनाएगी, किसको सेहरा पहनाएगी, वो 27 फरवरी को अमेठी में अलग अलग विधानसभा में जहाँ भी चुनाव होंगे वो अपना मत तय करेंगे। हम एक चाय के होटल पर हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्राम वासी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनके बुनियादी मुद्दे क्या हैं, कौन से सरकार से खुश हैं, कौन से विधायक से वो खुश हैं, किसको चाहती हैं, सारे सवालों के जवाब हम आप तक पहुँचाएँगे। हम उनसे आइए बात करते हैं। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों के लिए 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस लोग जो है, पहले जो रसूखदार आदमी होते थे जिनके पास गाड़ियां होती थी, जैसे छोटे लोग, हम सब लोग, कोई भी दिक्कत होती तो उनके पास जाते थे गाड़ी के लिए, पेट्रोल भी डलाएंगे, ड्राइवर को खर्चा भी देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने उससे मुक्त करते हुए 108 दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और अखिलेश यादव की सरकार में ये सारी रोडें अच्छी थी। अभी तो आप ये समझ में नहीं आ रहा गाड़ी कौन से गड्ढे से कुदा के निकालें, तो असल मुद्दा विकास है। तो फिर हार क्यों गए थे अगर उन्होंने इतना काम किया था? अब वो असल में क्या है ना कि पब्लिक ने जो क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष का भी हमेशा विरोध होता है, ठीक है, तो पब्लिक को नहीं समझ में आया तो उसने जो क्या कहते हैं हरा दिया, लेकिन इस बार बदलाव निश्चित होगा। अच्छा, और कांग्रेस की तरफ से इस बार भी तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रियंका गांधी, उनके बारे में क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस तो नहीं समझ में आती, वजह यह है कि यहाँ से हमारे राहुल गांधी सांसद भी रहे हैं जो क्या कहते हैं, इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जैसे लिंक रोडें हैं और सारी चीज़ें, इन पर काम नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने मतलब कारखाने वगैरह लगाए, बड़े बड़े कॉलेज दिए, लेकिन जैसे हम लोगों को ज़रूरत असल रोडों की होती है उन्होंने भी नहीं किया। अच्छा, अब तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम राशन दे रहे हैं, तेल नमक तमाम चीज़ें वो गिनवा रहे हैं कि घर घर तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को खाना मिल रहा है, डबल राशन मिल रहा है, लोग खुश हैं। ये सब चुनावी मुद्दा है और लास्ट तक मार्च तक है, चुनाव खत्म हो जाएगा, मार्च के बाद राशन बंद हो जाएगा। राशन तो इससे पहले भी मिलते थे और गवर्नमेंटों के, जो ये नमक और तेल जो है क्या कहते हैं दिया है, उसके अलावा कितनी महंगाई बढ़ा दिया है। ये चुनावी मुद्दा ही असल है कि चुनाव में वोट लेने के लिए, नहीं तो मार्च के बाद तो बंद ही हो जाएगा ना। आपको क्या लगता है कि जो महंगाई है, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर, ये मुद्दा होगा, लोग इस पर बात करेंगे? बिल्कुल मुद्दा होगा भैया, असल मुद्दा महंगाई और विकास ही होगा। कोरोना काल में देखिए आप जो क्या कहते हैं गैस ऑक्सीजन गैसे सिलेंडर नहीं मिल पाए, जो क्या कहते हैं लोग परेशान थे, दवाएं नहीं मिल पाती थी, डॉक्टर नहीं बैठते थे। लेकिन पार्टियां जो है इस पर तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, लेकिन पब्लिक बात करेगी ना, पार्टी बात करे या ना करे, लेकिन जमीनी मुद्दे यही हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार यूपी की जनता, क्योंकि आप अच्छा जवाब दे रहे हैं, बेहतर बात करें, इस वजह से मैं आपसे बार बार सवाल कर रहा हूँ कि किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जातिवाद भी चल रहा है, धर्मवाद भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम में चल रहा है, पाकिस्तान चल रहा है, खालिस्तान चल रहा है, लेकिन जो आप लोगों के मुद्दे हैं, रोड बिजली पानी सड़क इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या नहीं लगता कि ये अब भटक गए हैं लोग, इस पर बात ही नहीं करते हैं? जी बिल्कुल भटक गए हैं, और हमारा मुद्दा असल यही होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा रोडें, और इसके अलावा जात धर्म में कुछ रखा नहीं है। अगर हम मान लीजिए मुख्यमंत्री भी कोई मुसलमान नहीं बनेगा, मेरा नाम इमरान है, मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बनेगा, बनेगा तो कोई हिंदू भाई ही बनेगा ना, तो हम जात पात से हटके असल जमीनी मुद्दों पे जो के कहते हैं वोट पोल करें। वैसे कह रहे हैं कि हम बनाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वैसी का क्रेज वगैरह यहाँ पे नहीं है, जो के कहते हैं उनको सब बी टीम कहते हैं, और वाकई वो बी टीम है भी, जो के कहते हैं उनका कोई क्रेज नहीं है यहाँ पे। क्या कैसे लगता है कि वो बी टीम है? नहीं, उनकी देखिए जो क्या कहते हैं, जहाँ पे मुसलमान बाहुल क्षेत्र है आप वहीं पे लड़ाते हैं, दूसरी जगह पे आप नहीं लड़ाते हैं, तो क्या मतलब समझा जाए, आप हर जगह लड़ाइए जो क्या कहते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा राम लखन मौर्या। अच्छा, क्या इधर की क्या समस्याएं हैं आपके गांव में, आपके विधानसभा में? इधर की समस्याएं जो भाई साहब ने बताया वही है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि सरकार इस बार बदले? बदल जाए तो ठीक, ना बदल जाए तो ठीक। अच्छा, इस सरकार जो 5 साल हुए हैं योगी सरकार के, इससे आप कितना खुश हैं? कितना खुश तो
जनता से पूछा जाए, हमसे अकेले क्यों पूछ रहे हैं? आप भी जनता में ही है ना, आप भी तो वोट करते हैं। तो है, हम भी जनता के हैं, लेकिन खुश भी है खुश भी नहीं है। अच्छा, और इससे पहले जो अखिलेश यादव की सरकार रही, हम उसमें भी नहीं खुश थे। अच्छा, और खुश इससे रहे कि 108 हो, ये सब मूल्य जो दिया है हम लोगों के लिए, ये बहुत बढ़िया काम। अच्छा, तो ये तो अभी चल रही है ना, नाम बदल दिया है, चल तो अभी भी रहा है। क्यों बदल दिया गया नाम? अब ये तो योगी जी जाने, तो भी योगी जी जाने, वोट पोल जिसको करना होगा वो करेगा। तो यहाँ पर क्या आप जो यहाँ के विधायक हैं कुछ बदलाव चाहते हैं? काम किया है उन्होंने? विधायक तुम्हारा बहुत बढ़िया है, विधायक बढ़िया है। हाँ, अच्छा, हाँ। काम किया है उन्होंने? उन्होंने काम किया ना किया हो, काम किया जो उनके सामने गया उसका काम हुआ। अच्छा, मतलब जो लोग उनके पास जाते हैं, हाँ, काम हुआ है, वो होगा, हुआ अच्छा। है। और ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनके बारे में क्या कहना है? इनकी तो 25 साल से सरकारें नहीं, इनके बारे में क्या कहें? यहाँ से सांसद थे 2019 से पहले राहुल गांधी। हाँ, सांसद थे तो उन्होंने काम भी किया है। काम किया है? काम किया है। अच्छा, आप लखनऊ से लेकर सुल्तानपुर तक देख लीजिए, जितने रोड, रोडों का जाल उन्होंने ही बिछाया है, बड़े बड़े कॉलेज, सब काम उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही दिया है। अच्छा, हाँ, जितनी बिल्डिंगे सब बनी हुई है सरकारी, देख लीजिए, सब राहुल गांधी कांग्रेस की देन है, सब कांग्रेस की देन है। जी, उस दिन तो स्मृति ईरानी ने जगदीशपुर में कहा था कि जब से हम यहाँ से सांसद बने हैं इसको अलग ही दुनिया में लेके चले गए अमेठी को। भैया कुछ नहीं किया स्मृति ईरानी ने, पहले हम लोगों को ख्वाब दिखाया था ये खंभे हैं ये सोने को हो जाएंगे, चुनाव के बाद यही कलर में हैं। राहुल गांधी ने मतलब वो सांसद जब थे घर घर बिजली पहुंची है, हॉस्पिटल दे दिया 200 बेड का, उसका लोकार्पण हुआ। वो सही बात है कि इनके कार्यकाल में लोकपाल हुआ, जबकि वो जो क्या कहते हैं ऑलरेडी पहले से राहुल गांधी ने ही उसका शिलान्यास किया था, जमीनी स्तर से जो क्या कहते हैं। अच्छा, शिलान्यास उन्होंने क्या, लोकार्पण इन्होंने किया जो क्या कहते हैं, जी आके इसका लोकार्पण चले। जी 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 जी। अच्छा, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम श्रीनाथ है। अच्छा, तो क्या माहौल है चुनाव का इधर? माहौल सब ठीक है भैया, अब जैसा जनता के दिमाग में रहेगा वैसा करेगा। हाँ, तो क्या है जनता के दिमाग में इस बार, कुछ बदलाव चाहती है? अब बदलाव क्या, कोई किसी के दिमाग की बात तो जानता नहीं है। इधर काम हुआ है या कोई ऐसी समस्या? अब काम जो हुआ है आप लोगों के सामने सब दिखाई पड़ रहा है। रोड नहीं सही नजर आ रही इधर। हाँ, बस सर यही सब दिक्कतें हैं। अच्छा, राज्य सरकार से आप खुश हैं? खुश है जी, लेकिन जो सरकार उद्देश्य दिया था कि किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा, वो वैसे को वैसे पड़ा है, किसान उसी में जूझ रहा है। अच्छा, बिजली बिल के माफी की बात चल रही है, आधा कर दिया है कहा उन्होंने? अरे कर दिया सर, लेकिन जो है जो किसान और कर्ज में डूबे हैं उसको भी देखना चाहिए ना। अच्छा, आप क्या करते हैं, किसान हैं? जी जी। अच्छा, इस बार बाढ़ में बहुत सारी खेती नुकसान हुआ है, फसल को खेती बाढ़ में गई है, उसका कोई मुआवजा मिला उसको? कहीं सुनवाई ही नहीं हुआ उसका। अच्छा, कोई अधिकारी यहाँ कुछ आया था? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? अब नुकसान सर 1 बीघे में 2 बोरी गल्ला मिला, अब यही जान लीजिए कि अच्छा, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद होगा, कम से कम 57 बीघा 200 बीघा जमीन सब बेकार हो गई सब। अच्छा, आपके हिसाब से कौन बेहतर है, योगी है, अखिलेश यादव है, प्रियंका गांधी है, मायावती है? अब जो मौके की सरकार रहेगी वही सबके लिए बेहतर है, हमारे अकेले के लिए कोई। तो आप चाहते हैं इनकी सरकार फिर से आ जाए? अब जैसा जनता करेगी वैसा होगा वो। आप भी जनता में ही हैं, आप भी तो वोट करेंगे? नहीं नहीं ठीक है, अब जैसा अब जनता का भाई मनभाव होगा वैसा वो करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ जब सांसद थे तब ज्यादा काम हुआ या जब से स्मृति ईरानी आई है तब काम हुआ है? अब स्मृति ईरानी का तो यहाँ पर हमारे एरिया में कहीं कोई बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ कोनो काम ज्यादा करी नो। अच्छा, बस ज्यादा कहीं कहीं यही सोलर। क्या नाम है आपका? दिखाई पड़ रहा, राम केमल। अच्छा, क्या है इस बार, क्या लगता है यहाँ पर कुछ बदलाव होगा? ठीक है साहब, बढ़िया है, बदलाव ठीक है, बदलाव हो चाहे होवे करे साहब। अच्छा, तो इधर विधानसभा में या राज्य सरकार में कहाँ बदलाव चाह रहे हैं? अरे अब जहाँ किसको चाह रहे हैं बने? हाँ, मुख्यमंत्री अब जैसा पब्लिक चाहे वही बने भैया। हाँ, और तो हम हैं सबके किसान। प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती? अरे मायावती हैं अपन बहन बहू भाई बहन चाहे। बिल्कुल, मायावती जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने काम किया था कुछ? हाँ साहब, किया था, जो बच्चों को मिलते थे वजीफा जीफा। अच्छा, सब उन्हीं की देन थी, और राशन, देन है। राशन वासन। अच्छा, तो अब चाहते हैं कि उनकी बने सरकार तो काम करेंगे वो? हाँ साहब, काम तो करवे करी है। अच्छा, उम्मीद है? उम्मीद। योगी सरकार जो चल रहा है इनका 5 साल साहब, इन्होंने सरकार या चल रही साहब है,
मोदी योगी बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है सरकार। हाँ सर, नाम क्या नाम है दादा? गुरु प्रसाद। अच्छा, क्या है इधर चुनाव का माहौल? अब 27 फरवरी को चुनाव है आपकी तरफ और आचार संहिता भी लग गई है, अब धीरे धीरे कैंडिडेट हैं आएंगे आपके दरवाजे पर, क्या मुद्दा होगा? अब यहाँ का मुद्दा तो ठीक है, विकास हुआ है इधर कुछ? अरे विकास तो बहुत हुआ, तो नहीं थोड़ा हुआ, घर बैठे जिसे राशन ले रहे हैं, दूध दही। अच्छा, हाँ राशन मिला, खुश हैं इससे? खुश सर, थोड़ा कह दें, रोजगार नहीं मिला है लोगों को? रोजगार, हाँ चल रही थी, रोजगार नहीं मिला, बिजली बिजली की परेशानी ज्यादा है और पानी बिजली जनता का ही जरूरत है। तो सरकार किसकी चाहते हैं यहाँ पर यूपी में? हम तो योगी की चाहते हैं। योगी बढ़िया है? हमारे लिए तो बढ़िया है। अच्छा, हाँ क्या क्या उनसे मिला आपको, क्या काम पसंद आया उनका? अरे उनका काम बहुत पसंद है, कहाँ तक उनका वर्णन करी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ नहीं किया है, सिर्फ नाम बदले हैं। अखिलेश यादव से तो हमसे कोई मतलब नहीं, अखिलेश यादव से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे। अरे रहे तो का भवा। और मुलायम सिंह? मुलायम सिंह अच्छा, यहाँ अमेठी में स्मृति ईरानी काम अच्छा कर रही हैं या राहुल गांधी ने अच्छा काम किया था? स्मृति ईरानी काम तो अच्छे कर रहे हैं। अच्छा। माया एक है स्मृति ईरानी, योगी की सब माया एक है। हाँ। तो भाई साहब कह रहे हैं कि कोई एक काम बता दीजिए स्मृति ईरानी का। हाँ का है, आयु सब उन्हीं के दिन तो है, जैसे पानी जो सब मिल रहा है यहाँ के व्यवस्थादारी, वो तो सरकार दे रही है ना। हाँ सरकार दे रही है, तो वो भी तो आपदा है, कोरोना वायरस आया इसकी वजह से सब मिल रहा है, तो ये अभी लोग कह रहे हैं कि बस इलेक्शन तक, उसके बाद नहीं मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। अच्छा, हाँ ये है, आपको भरोसा है? हमें भरोसा है। अच्छा, अब यहाँ पूछेंगे होटल वाले, इनके सामने इनके होटल पर पूरे दिन में हजारों ऐसे लोग आते होंगे, चेहरे अलग अलग, इनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि इधर का माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? रामदेव। रामदेव, पूरा नाम? रामदेव मौर्य। मौर्य, तो क्या हाल है इधर, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल ठीक है। हाँ, अरे आपके तरफ यहाँ चर्चा होती हूँ, लोग अखबार पढ़ते हैं। हाँ। क्या कुछ बातें करते हैं, उससे क्या लगता है आपको? अब जनता का मत है भाई, जनता जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनेगी। किसको चाह रही है, कुछ आइडिया है कौन पसंद है कौन नहीं, किसका काम किस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है? अब 10 लोग हैं तो 10 लोगों का सब एक ही पसंद तो है नहीं। हाँ अलग अलग है, अलग अलग सभी का है। अच्छा, तो सबका मत अलग अलग है। इस बार कांटे की टक्कर है? हाँ कांटे की टक्कर है। अच्छा, किसको चाह रहे हैं सरकार, किसकी पसंद है, किसको चाह रहे हैं, अच्छा काम कौन कर रहा है, ये अभी मौजूदा या फिर अखिलेश यादव जो 5 साल हैं, या फिर मायावती, या फिर इस बार कांग्रेस भी लगी है? जिसकी जो सरकार बनेगी वही अच्छा काम करेगा, तो ये जिसकी जो पहले बनी थी भाई वो भी अच्छा काम कर रही थी। अब जनता का मत है, जनता जैसा चाहेगी। ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है, खुल के बता नहीं रहे कुछ। अभी जो चल रही है 5 साल ये चली है सरकार, योगी सरकार, इससे खुश है? भी अच्छा काम किया है, राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ राशन वगैरह मिल रहा है। अच्छा, तेल नमक? हाँ ये सब बराबर मिल रहा है। अच्छा, और पैसे आ रहे हैं जो भेज रहे हैं वो, श्रम कार्ड वगैरह बनवा लिया? हाँ श्रम कार्ड बन गया है हमारा। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे, वो उनका 5 साल रहा, उन्होंने तमाम चीज़ें शुरू की थी। हाँ उनका भी जो कार्यकाल ठीक था। अच्छा, और मायावती जी? हाँ मायावती का भी काम ठीक था। सबका मतलब सबसे खुश है आप? हाँ खुश, कोई वो नहीं है, सब जो भी आएगा सही है। हाँ जो भी आएगा वो अपने हिसाब से अपना काम सही करेगा। तो अब जो हाँ क्या कह रहे हैं आप? हम जी कह रहे हैं कि ये जो नमक वमक मिल रहा है, नमक नमक में कांच मिला हुआ है। नमक में कांच? कांच हाँ जी। अच्छा, हाँ कहाँ देखा है आपने? अरे हमने देखा, पानी में डाल के उसको घोला, मतलब नमक सही नहीं है। नमक सही नहीं है, नमक हरामी हो रही। और नमक हरामी हो रही तभी तो नमक सही नहीं है। अच्छा, हाँ ये आपने देखा खुद? अरे खुद देखा जी, पानी में डाल करके नमक उसको खलभला दिया। अच्छा, कांच कांच नीचे बैठ गया, बाकी गल गया। तो उसमें कांच मिला? कांच मिला। अच्छा, हाँ ये तो बड़ा, यहाँ के कोटेदार यूनिट भी काटते हैं। अच्छा अच्छा, पूरा यूनिट भी नहीं। ये एक जनता है, सबकी अपनी अपनी राय है, सब चाह रहे हैं, कोई किसी को चाह रहा है, कोई किसी को चाह रहा है, यही तो लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
कि यहाँ पर विचार सबके अलग हो सकते हैं, मत सबके अलग हो सकते हैं, और वो अपनी अपनी तरह से सोचते हैं, अपना अपना उनका नज़रिया है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में वो वोट करेंगे, खुश सबसे हैं, कोई बुरा नहीं है, चाहते हैं कि अगर किसी की भी सरकार आए बस काम करे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई है कि जो यहाँ के बुनियादी मुद्दे हैं, रोड हो गया है, सबसे ज़्यादा जो रोड की बात होती है वो यहाँ पर सही नहीं है, उससे लोग नाराज़ हैं। हालांकि जो राशन पानी वगैरह मिल रहा है उससे लोग खुश भी हैं कि उनको घर बैठे आराम से मिल रहा है। तो अब ये देखने वाला होगा कि इस बार जब 27 फरवरी को लोग चुनाव करेंगे तो उनका क्या मुद्दा होगा, उस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे, चूँकि अभी तो एक महीने से ज़्यादा है, लगभग 2 महीने बचे हैं चुनाव को, तब तक क्या मूड बदलता है, तब तक सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है या उनकी तरफ से क्या जुमला आता है, क्योंकि सभी पार्टी हैं, सब अपने वादे करेंगे, घोषणा पत्र जारी करेंगे, कौन किसके फेर में आता है ये आने वाला वक्त बताएगा।